आई फाइनली गेट द बॉय जिससे मैं प्यार करती हूँ और एक कंफर्ट लेवल हो जाता है जब आप एक एक्टर के साथ, मतलब वंशनामा 2 तो हमने किया, पर आज हम जानते हैं हमारी दोस्ती है 4-5 सालों की, सो एक कंफर्ट फैक्टर जो होता है इट्स रियल। देखती हूं देखती सब मैं झूठी हूं और मतलब ये ऐसे भी क्यूट सी स्माइल देगा और उसको लगता है कि अब सारी लड़की मान ही लेगी हां ये वाली तो झूठी है, हम सब सही है। बहुत अच्छा है यार, हमेशा से आता हूँ, जब भी आता हूँ बहुत अच्छा लगता है। जब पता लगता है कि यहाँ पे आते ही म्यूज़िक बज रहा है तो एक्साइटमेंट अपने आप बढ़ जाती है, एंड दे ऑल सो स्वीट और बहुत एनर्जी होती है। तो यार अभी बस थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। मैंने तो यही से पढ़ाई वढ़ाई किया, आई एम सुपर इंटेलिजेंट इंजीनियर बनते नहीं क्या बात है, झूठी हूँ ना मैं। दिस इज माय फर्स्ट टाइम, आई थिंक सनी आया हुआ है मूड इंडिगो में, मैं 2-3 महीने पहले भी आया था। हाँ, और उससे पहले भी आई हैव नेवर बीन हियर, मेरी पहली आई हैव हर्ड सो मच अबाउट मूड इंडिगो की जो एनर्जी होती है, सो आई एम एक्चुअली वेरी एक्साइटेड कि अंदर जाके ऐसा क्या होगा, बिकॉज ऑलरेडी हम इतनी एनर्जी के साथ आए हैं, सरप्राइजेस होंगे, सरप्राइज हो शॉक्स ना हो, सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। सर जैसा कि आपने बोला कि आप 2-3 बार आ चुके हैं पहले से, तो कोई एक्सपीरियंस ऐसा शेयर करना चाहेंगे? एक्सपीरियंस वही है कि एवरीबडी इज़ वेरी स्वीट, बट आई थिंक एमसी चेंज होते रहते हैं तो बट इट्स गुड वाइब है, और ऑलवेज वेन यू गो टू द कॉलेज, इवन बॉम्बे, दिल्ली, एवरीवेयर, you know, youth is connected and they connected with the movies, that is more important. Basically, Sunny ये बोलना चाहता है कि लड़कियाँ मेरे पीछे पड़ जाती हैं, मैं किसी भी कॉलेज में। वो बताने की बात नहीं है, आपको लगता है कि नहीं लगता है? आपको क्या लगता है? So, जैसे कि ये stage performance है, ये stage performance के बारे में तो बात करूँ तो आप अपने school days या फिर college days miss करते हैं? बहुत miss करता हूँ यार, बहुत ज़्यादा miss करता हूँ। मुझे पता है कि मैं धक्का स्टार्ट करके पास होता था क्योंकि मैं पढ़ता ज़्यादा नहीं था, बट मैं एडमिट में पढ़ लेता था, तो पता है कि मेरी सिस्टर मेरे मार्क्स वो देखती थी घर आके, वो रहती थी, तो वो सारी चीज़ें, घूमना फिरना, कैंटीन जाना, स्टेज शो पे पार्ट लेना, डांस पे पार्ट लेना, वो बहुत मिस करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, बिकॉज आई थिंक हमें शूट करने के टाइम भी बहुत मज़ा आया था, एंड नाउ वी आर रियली एक्साइटेड कि देखो सब लोग जाके लाइक सी आवर फिल्म, एंड इट्स अ फील गुड फिल्म, सो यू नो वी रियली कनेक्टेड विद द मूवी, मूवी भी नॉर्थ साइड बेस्ड है और ये चीज़ें आपने आसपास देखी है, प्लस द सॉन्ग्स आर रियली गुड एंड पीपल आर लविंग इट एंड एवरीबॉडी लाइक लैम्बोर्गिनी मम्मी नु पसंद नहीं, दैट इज अ पंजाबी सॉन्ग रिप्राइज वर्जन, सो इट्स ऑल गुड, बट ये होपफुली यही कहना चाहता हूँ कि पहले तो बहुत ही प्यार दिया है, उजड़ा चमन में भी प्यार दिया है, प्यार का पंचनामा में दिया है, सोनू के टीटू में दिया है, बस अब और सारा प्यार चाहिए, वो जल्दी से आके दे दो। जय मम्मी दी सबने नहीं सुनाया, जय माता दी सबने पहले सुना था, सो ये टैगलाइन किसका था? ये मम्मियों की नहीं, अक्षय में यही बोली थी, ये बोल रही थी, ये माता, वैसे ये भी मम्मियों का ही था और किसी का नहीं था, बेसिकली मम्मियों की बहुत ही स्ट्रॉन्ग कहानी है ना इसमें, बात ही मतलब वो ही हमें नहीं मिलने देते हैं फिल्म में, तो मतलब एंड माँ भगवान समान होती है, तो मतलब वो स्टोरी नहीं बताऊँ, तो इट्स वेरी नेचुरल कि ऐसा एक क्वर्की सा आ रहा है, थिंक बहुत क्वर्की टाइटल भी है और बहुत फिट भी होता है, और मम्मियों की हमेशा जय ही होती है, आई थिंक इट्स इन अ फनी वे रोमांटिक क्यूट फिल्म, और मम्मियों की वो जो पड़ोसियों की लड़ाई होती है, वो कूड़े की लड़ाई, ये वो सब देखने मिलेगा, और पहली बार हो रहा है तो वो उनके आसपास ज़्यादा वो भी रिवॉल्व है, और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया, सुप्रिया मैम और पूनम जी, सो काफ़ी कुछ सीखने मिलता है, बट बाकी काफ़ी चीज़ें हैं पिक्चर में जो आपको 17 जैन को देखने मिलेगी। ओके, जैसा कि ये फिल्म आपको ऑफर किया गया, सो पहला थॉट क्या था? मेरा था, पहला रिएक्शन क्या था? मेरा तो कोई रिएक्शन नहीं था, मैं तो वैसे मतलब ये हो गया था कि सर ने हमेशा सरप्राइजेस ही दिए, एंड मतलब उन्होंने फ़ोन करके बुला लिया था, फिर उन्होंने बताया कि ये एक फिल्म है, और मैंने सुनी, और यू नो लाइक नवजोत गुलाटी इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, इज़ अ ग्रेट गाय, और तो वो प्रोसेस अपने आप ही शुरू होते गए, पता ही नहीं लगा कब शूट पे आ गए। मेरा तो था ओह नो, फिर से सनी। नहीं, मेरा मन में था, मैंने दिखाया नहीं था। ये बीबा मुंडा है ना। नहीं, बट एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड थी, बिकॉज एक तो मेरी पहली सोलो फिल्म है,
प्लस मुझे किसी फिल्म में लड़का ही नहीं मिलता यार, तो मैं तो मुझे बस वेरी था कि लड़का मिल रहा है ना एंड में, ओके आई एम हैप्पी हैप्पी एंडिंग, आई फाइनली गेट द बॉय जिससे मैं प्यार करती हूँ. बट डेफिनेटली वन ऑफ लाइक दी मोस्ट एक्साइटिंग स्क्रिप्ट पढ़ने के लेवल पे, बहुत रियल है यार. आई थिंक आजकल के ज़माने में आपको पता है, मुझे भी पता है कि रियल सिनेमा इज़ रियली वर्किंग, यू नो समथिंग आप जिससे रिलेट कर सकते हो. सो वो सारे फैक्टर्स एकदम टिक 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 था एंड हैड अ ब्लास्ट शूटिंग. आई थिंक फर्स्ट डे जैसे नर्वसनेस और एक्साइटमेंट भी रहती है तो वो तो थी, प्लस नवजोत गुलाटी उनके साथ पहली बार था तो करते करते फिर वो फैमिली बन गई, फिर हम तो जानते ही थे, हम लड़ते भी थे हंसते भी थे, तो वो सब चीज़ें फिर शुरू हुई, यू नो कमिंग बैक टू द सेम स्कूल एंड यू नो द सेम थिंग. और एक कंफर्ट लेवल हो जाता है जब आप एक एक्टर के साथ, मतलब पंचनामा 2 तो हमने किया, प्लस हम जानते हैं हमारी दोस्ती है 4-5 सालों की, सो एक कंफर्ट फैक्टर जो होता है इट्स रियली नाइस एंड आई थिंक वो स्क्रीन पे दिखता भी है. प्लस आल्सो जैसे मैंने बोला कि वो पंजाबियत भी है इस मूवी में, तो वो भी अच्छे से दिखाई दी है, प्लस हिज प्लेइंग माय ब्रदर इन द फिल्म एंड अदर कास्ट आर रियली गुड, वेरी गुड. सो ओवरऑल केमिस्ट्री बातें करते करते एक्टिंग करते करते अपने आप ही दिखी है. सनी मेरा पंजाबी कोच भी था, जैसे हूं तो मैं भी पंजाबी, ये भी पंजाबी, लेकिन हां इतनी पंजाबी बेटर है. तो बहुत बार जब मेरी कुछ एक आध पंजाबी की, वैसे तो हिंदी है बट एक आधी लाइन कुछ है तो वो एक्सेंट में से चेक कराती थी कि मैं ठीक बोल रही हूं ना, ऑनदा ही होता है ना, अंधा अंधा तो नहीं होता. तो नहीं वैसे तो बहुत अच्छी बोलती है पर कभी कभी बीच में एक वर्ड इधर उधर हो जाते हैं और फिर ये बहुत हंसता और चिढ़ाता भी है. अभी बोल रहा है अच्छा बन के. सो न्यू ईयर आने वाला है, क्या आप कहाँ जा रही हैं? क्या प्लान है हम दोनों के? पता नहीं अभी तो प्लान बना नहीं है. क्या हुआ ना, हम वैसे हैं कि अब चलो प्रमोशन चल रहा है, रेंडमेंट प्लान बनता है तो कुछ प्लान बनेगा तो सारा ग्रुप चला जाएगा. बट हाँ हमारे मतलब कॉमन फ्रेंड्स का, आई डोंट लाइक पार्टीज वगैरह बट मैं मुझे ऐसे कोई क्वाइट सी जगह हो, ऐसे लग रहा था पार्टी के लिए. ये बस आईआईटी आया यू ना, मूड इंडिगो में तो मूड ऐसा है, अदरवाइज मुझे क्वाइट हो, बॉनफायर हो, थोड़ी सी ठंड वाली जगह हो एंड जस्ट म्यूजिक हो. सो हमारे कुछ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हैं सो हो सकता है हम लोग सब साथ में ही जाएँ या कुछ, सो वी आर प्लानिंग दैट. सो कुछ न्यू ईयर रिजोल्यूशन बनाया है? नहीं, वो रेजोल्यूशन अपने आप ही महीने महीने चेंज होता है, महीने महीने में सही हो जाता है. जस्ट दैट कि डूइंग ग्रेट वर्क एंड कीप डूइंग हार्ड वर्क. या जनवरी रेजोल्यूशन है कि जय मम्मी दी 17 जनवरी को रिलीज हो रही है और हिट होनी चाहिए, ये रेजोल्यूशन प्रेयर सब कुछ वही है. एंड लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहोगे अपनी फिल्म को लेकर? 17 जैन इज द डेट, भूलना मत, सबको लेके आना, अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अपने घर वालों सबको लेके आना एंड बहुत सारा प्यार देना. और एक्चुअली एक ऐसी फिल्म है जो मतलब देर इज़ अ लव स्टोरी, यूथ एंगल बहुत मेजर है बट फैमिली एंगल भी इतना बड़ा है, बिकॉज आप लिटरली, अगर मैं इस फिल्म में नहीं भी होती, मैं अपनी मॉम के साथ मैं पसंद करती जाके देखना एंड आई वुड हैव एंजॉयड इट इक्वली विद माय बॉयफ्रेंड और मम्मी के साथ. तो एक्चुअली दो दो बार जाके देखो, एक बार अपने बॉयफ्रेंड के साथ, एक बार मम्मी के साथ, एक बार फैमिली के साथ, तो बस जय मम्मी दी देखते रहो. मैं 6-7 बार देख चुकी हूं. ओके, एक लास्ट न्यू ईयर विश ऑडियंस के लिए. Guys, Happy New Year. So you know our film is coming on 17 Jan, Jai Mummy Di. So do watch it and give us lots and lots of love. And have a super, super happy and a prosperous 2020. And safe new. Safe. Safe. Thank you. आई थिंक मेरा आपके साथ एक रिश्ता ही बन गया है, क्योंकि मैं आई थिंक दूसरी तीसरी बार आ रहा हूँ यहाँ पे, तो मुझे पहले भी आया था और हमेशा इतनी अच्छी एनर्जी देखने मिलती है. पिछली बार उजड़ा समझ के लिए आया था जब बाल उसमें नहीं थे, मैंने लंबे बाल नहीं थे. आई होप यू गाइस लाइक द सॉन्ग. इस बार हम अपनी फिल्म जय मम्मी दी लेकर आ रहे हैं 17 जैन, और जिसमें सोनाली सहगल भी, सुप्रिया मैम एंड पूनम जी भी हैं एंड इट्स अ क्यूट रोमांटिक फिल्म. और क्या आप लोग जाएंगे? सनी, सो सिंस तुम यहाँ की वेटरन लग रहे हो, मैं तो पहली बार आई हूँ, यू वांट टू इंट्रोड्यूस मी टू देम बिकॉज़ दे थिंक अ वेरी एंथुसियास्टिक क्राउड एंड आई एम अ लिटिल बिट जेलस टू सी ऑल दैट मूविंग हैपनिंग फॉर यू. यार इंट्रोड्यूस करने की जरूरत क्या है, वो तो सभी जानते हो कि नहीं? Very excited.
another Selling Finish show also backstage, and I'm really ready to, you know, come here. I can jog my way here. And you guys have let us down. So thank you for having me. तो मेरे को ना बाहर एंट्री पे म्यूजिक बजने लग जाता है तो मेरे को लगा यार मूड बन गया है तभी तो कोने में जाके डांस कर रहा था वहां पे चुप चुप के हां तो देख रही हूं मैं गलती कुछ नहीं देखते सब हूं watch that film. Could we have the momentum?
girls are always confused. I feel you, woman. I feel me. From backstage, like, I know. So help us, before they leave, we wanted to do this one thing. You want to ask the audience? That's how we choose the people that come on stage and join. Yes. If you put your hands up and he says, give $1 million, then what do you do? He's smart, na? All right, folks, you don't even need to take a seat. You can all just leave right here.
We jumped. Yo, give them a big left. Woo! Ek solo solo karte hain. हाँ सो सर, सबसे पहले जानना चाहूंगी कि आईआईटी बॉम्बे में आकर कैसा फील।